नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब का मराठों से संघर्ष, मतलब कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच जो संघर्ष हुआ था उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी, कौन कामयाब हुआ था, क्या हुआ था, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, औरंगजेब का मराठों से संघर्ष। देखिए, जो मराठा है ये दक्कन में, इनका जो उत्थान है लगभग 16वीं शताब्दी में आरंभ होता है। 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही मराठों की शक्ति जो है उभरने लगती है। इससे पहले तक मराठों के विषय में उतना जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन लगभग 15वीं शताब्दी के अंतिम समय और 16वीं शताब्दी के आरंभिक समय में मराठों का उत्थान होता है। ये लोग जो है शुरुआत में अहमदनगर, बीजापुर मुगलों की लिए काम किया करते थे, उनकी सेना में ये भर्ती होते थे और सैन्य सेवाएं दिया करते थे, क्योंकि ये जो है लड़ने भिड़ने में माहिर थे, योद्धा हुआ करते थे। तो बात करें हम लोग मुगल और मराठों के बीच संघर्ष की, तो देखिए ये जो चीज है मराठों और मुगलों के बीच संघर्ष, ये जहांगीर के समय से ही शुरू हो गया था। कुछ जो असंतुष्ट मराठा सरदार थे उनके द्वारा मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया गया था। आगे चल करके शाहजी भोसले, जो कि अपनी योग्यता के बल पर एक जागीर भी प्राप्त कर लेते हैं और मराठों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें उनको अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती है। आगे चल करके शाहजी भोसले के पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो है अपने पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करते हैं, मराठों को एकजुट कर करके मराठा साम्राज्य की संकल्पना को साकार करने में कामयाब हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्हें ये जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज, ये औरंगजेब के समकालीन थे, इस कारण से औरंगजेब का छत्रपति शिवाजी महाराज से संघर्ष होना, सामना होना अवश्यंभावी था। तो देखेंगे हम लोग क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी। वैसे मैं बता दूं कि छत्रपति शिवाजी या फिर कहें मराठों के विषय में मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मराठा साम्राज्य के ऊपर अलग से फिर से एक बार वीडियो बनाऊं थोड़ा सा और डिटेल में, तो आने वाले समय में आपको जो है और डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है केवल और केवल औरंगजेब और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में जानेंगे, न कि शिवाजी महाराज के विषय में। तो बात करें तो छत्रपति शिवाजी और मुगलों का संघर्ष पहली बार कब होता है, मराठों का संघर्ष नहीं, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनका जो मराठों मुगलों से पहला सामना हुआ था सन 1656-57 में, अधिकतर पुस्तकों में 1656 दिया हुआ होता है। इस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाहजहां, और दक्षिण में सूबेदार के रूप में औरंगजेब पदस्थ था। तो जो छत्रपति शिवाजी हैं इस समय तक अपनी स्थिति अच्छा खासा सुदृढ़ कर चुके होते हैं, उनके अधिकार में कई सारे किले भी होते हैं 1656 की स्थिति में। तो ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज अहमदनगर के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, कब, सन 1656 में। अहमदनगर वहां जो चुनार का किला है वहां पर आक्रमण करते हैं। अब ये जो अहमदनगर है सन 1636 में ही मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया है पूरी तरह से। तो अहमदनगर चुनार पर आक्रमण शिवाजी महाराज के द्वारा सीधे सीधे मुगलों को चुनौती देना था। तो ये जो है शिवाजी महाराज और मुगलों का पहला आमना सामना था। तो मुगल जो है धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी से परिचित होना शुरू कर देते हैं। अब इसी समय क्या होता है, 1657 में जो बीजापुर है औरंगजेब के सामने घुटने टेक देता है और फिर से एक बार जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन बहुत ही जल्दी जो शाहजहां है वो बीमार पड़ जाने के कारण उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए जो मुगल हैं वो बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटा करके वो आपस में शहजादे लड़ रहे होते हैं। तो उस समय जो है दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा, ये लोग मुगल अधीनता से बाहर आ जाते हैं। और इस बीच जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वो भी इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है और औरंगजेब जो है बादशाह बन जाता है। अब वो जो है दक्षिण में
बीजापुर गोलकुंडा इनको जीतना चाहता है, साथ ही साथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ये निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो इनको भी कुचलना आवश्यक होता है औरंगजेब के लिए। तो औरंगजेब जो है अपना ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित करता है, शिवाजी को भी कुचलना है और बीजापुर गोलकुंडा को भी अपने अधीनस्थ करना है। अब देखिए क्या होता है कि जो अपना और इसी समय शिवाजी महाराज का बीजापुर के साथ भी संघर्ष चल रहा होता है, तो औरंगजेब जो है अपना छत्रपति शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए अपना एक सेनापति जिसका नाम था शाइस्ता खां इसको नियुक्त करता है। ये जो शाइस्ता खां है ना औरंगजेब का मामा था, तो इसको जो है दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। इसका काम क्या है, बीजापुर के खिलाफ युद्ध करना है, साथ ही साथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनकी शक्ति को बढ़ने से रोकना है शाइस्ता खां को। तो ये जो है कुछ स्थानों पर कामयाब भी होता है, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं एक दिन रात के समय अर्धरात्रि में शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और जो शाइस्ता खां का एक पुत्र और उसके बहुत सारे सैनिक और उसकी कुछ स्त्रियां मारी जाती हैं, खुद शाइस्ता खां बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह घटना कब की थी, तो 1663 की थी। 1663 में छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां को परास्त कर दिया और शाइस्ता खां जो है घायल हो जाता है और भाग खड़ा होता है। फिर इसके बाद जो औरंगजेब है बड़ा क्रोधित होता है, शाइस्ता खां को दक्कन की सूबेदारी से हटा करके उसको बंगाल भेज देता है। अब इसके बाद औरंगजेब क्या करता है, अपने एक विश्वस्त सेनापति जिसका नाम था राजा जयसिंह, जिसको कि मिर्जा राजा जयसिंह भी कहा जाता था, जो कि आमेर का राजा था, आमेर वही जहां से राजा भारमल थे, भगवान दास थे, मानसिंह थे, तो वो जो है आमेर अभी भी मुगलों का विश्वस्त बना हुआ है। तो मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए, साथ ही साथ दक्षिण के मामलों को देखने के लिए, मतलब कि बीजापुर गोलकुंडा के विषय में। तो इनको जो है दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। अब यहां पर जब राजा जयसिंह दक्षिण आता है उसके ठीक पहले सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, सूरत को भयंकर तरीके से लूटते हैं। देखिए सूरत जो कि गुजरात में है एक बंदरगाह है, व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर अंग्रेजों की भी बस्ती है, व्यापारिक कोठियाँ हैं, साथ ही साथ ये जो इलाका है मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं सूरत को लूटते हैं सन 1664 में भयंकर तरीके से और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूट करके अपने साथ ले जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जल्दी से जल्दी छत्रपति शिवाजी को कुचल के लिए, मतलब कि औरंगजेब जो है जल्दी छत्रपति शिवाजी को काबू में करना चाहता था। तो वो जो है राजा जयसिंह को भेजता है दक्षिण में। अब राजा जयसिंह ये आता है दक्षिण में और इसको जो है बहुत हद तक कामयाबी मिलती है और जो राजा जयसिंह है सबसे पहले तो व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है। व्रजगढ़ का किला जो कि छत्रपति शिवाजी के अधिकार में होता है व्रजगढ़, तो इसको जो है राजा जयसिंह जीतने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद फिर ये जो है पुरंदर के किले की ओर बढ़ता है। पुरंदर का किला मैंने यहाँ लिखा है पुरंदर, तो ये जो है उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पुरंदर के किला की रक्षा करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुगल सेना के सामने वो टिक नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि आत्मसमर्पण कर देना चाहिए नहीं तो पूरा का पूरा हम लोग मिट जाएंगे। वो जो है परिस्थितियों को देखते हुए राजा जयसिंह के सामने मतलब कि मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये कब की बात थी, सन 1665 की बात थी। तो आत्मसमर्पण कर दिया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा और संधि होता है फिर दोनों के बीच, मतलब कि मुगलों और मराठों के बीच। तो जो संधि हुई थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, संधि पुरंदर की संधि कहलाती है जो 1665 में हुई थी। इसमें क्या क्या शर्तें थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों को 23 किले जिनकी आय 4 लाख रुपए वार्षिक थी, तो
जो अपने शिवाजी है ना, उन्होंने कई सारे किले जीत रखे थे जो कि पहले मुगलों के अधिकार में भी थे, कुछ नहीं भी थे। तो मुगल बोलते हैं कि तुम जो है 23 किले हमको दे दो, 23, 23। और इनकी आय जो है ना, प्रत्येक किले की जो आय है 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा शर्त ये रखा जाता है कि 12 किले शिवाजी के पास सौंपे जाएंगे, मतलब कि 23 किले जो है मुगलों को दिए जाएंगे और 12 किले जो है शिवाजी महाराज के पास रहने दिए जाएंगे। अब ये जो 12 किले है ना, इनमें से मात्र 1 लाख रुपए आय होती है, मतलब प्रत्येक किले से। और ये जो 23 किले हैं, प्रत्येक किले से 4 लाख रुपए, और ये जो 12 किले हैं, यहाँ से प्रत्येक किले से 1 लाख रुपए आय होती है। तो मामूली आय वाले जो हैं शिवाजी के पास रहने दिए गए, और जिनसे अधिक आय होती है वो मुगलों को देने पड़े शिवाजी महाराज को। उसके बाद तीसरी शर्त होती है कि शिवाजी ने मुगल सेना में अपने पुत्र संभाजी को भेजना स्वीकार कर दिया, जो कि उस समय छोटा होता है, अल्पायु होता है, और जो औरंगजेब है उसको बाद में 5,000 का मनसब भी देता है। जैसा उस समय होता था ना कि मुगल सेना किसी भी राज्य पर आक्रमण करती थी, उसके बाद वो फिर अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो फिर कोई एक जो है दरबार में जाता था सेवा के लिए, फिर उसको जो है वहाँ पद दिया जाता था। तो यही चीज़ जो है शिवाजी महाराज के साथ भी होती है, वो जो है संधि को स्वीकार लेते हैं, अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद चौथी शर्त रखी जाती है कि जब मुगल सेना बीजापुर पर आक्रमण करेगी तो शिवाजी महाराज मुगल सेना का सहायता करेंगे। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग बीजापुर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ राजा जयसिंह का साथ दिया था। तो इनको जो है बोला गया कि बीजापुर के विरुद्ध तुम मुगलों का साथ दोगे। तो ये सभी शर्त जो है शिवाजी महाराज मान लेते हैं। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, आगरा मतलब कि अपने जो इस समय दिल्ली राजधानी होती है, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कि मुगल दरबार में उपस्थित होना भी ये स्वीकार कर लेते हैं। और सन 1666 में अपने पुत्र संभाजी के साथ ये जो है मुगल राजधानी मुगल दरबार में पहुंचते हैं औरंगजेब के सामने। लेकिन यहाँ पर जो औरंगजेब है वो शिवाजी महाराज के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करता है। शिवाजी महाराज को लगता है कि मेरा यहाँ जो है सम्मान नहीं किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो इसका जो है वो विरोध करते हैं मुगल दरबार में दिल्ली में। तो इससे जो है औरंगजेब क्रोधित हो जाता है और शिवाजी महाराज को उनके बेटे सहित गिरफ्तार करवा लेता है, जिनको जयपुर भवन में रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर भवन में रखा गया था। तो यहाँ पर उनको रखा जाता है नजरबंद करके जयपुर भवन में। कब? सन 1666 में। कहाँ पर? मुगलों की राजधानी में। वहाँ गए थे औरंगजेब के पास मुगल दरबार में, लेकिन इनको लगा कि यहाँ उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, इस कारण से उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, तो इनको कैद कर लिया जाता है। लेकिन किसी प्रकार से ये जो हैं मुगलों की कैद से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, सीधे ये दक्कन आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से अपनी स्थिति को दृढ़ करने में लग जाते हैं। और साथ ही साथ शिवाजी महाराज जो हैं यहाँ कूटनीति का सहारा लेते हैं और वो जो है शिवाजी महाराज औरंगजेब के पास पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और आपका विश्वस्त बना रहूंगा। तो औरंगजेब जो है उसको माफ कर देता है, मतलब उसको लगा होगा कि अगर इसके खिलाफ मैं फिर सेना भेजूंगा, फालतू का फिर खर्चा होगा, तो इसको माफ कर दिया जाए। तो वो जो है उसको माफ कर देता है और स्वतंत्र शासक भी स्वीकार कर लेता है। कब? लगभग 1666-67 में, जब वो भाग करके वापस चला गया, तो स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। साथ ही साथ शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दी थी और साथ ही साथ शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक भी स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखेंगे कब? 1666 में। 67 मतलब उत्तर दिया नहीं रहेगा, 1666 ये ध्यान रखेंगे, 1666। कुछ पुस्तकों में 67 भी दिया हुआ मिलता है। तो 1666 या 67 में औरंगजेब ने अपने जो शिवाजी महाराज हैं उनको स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया, राजा की उपाधि दे दी। आगे के कुछ वर्ष, लगभग 2-3 साल जो है शिवाजी महाराज अपने अधिकार में जो क्षेत्र होते हैं उनको सुदृढ़ करने में व्यतीत करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो भी किलेबंदी है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सबको सुदृढ़ करने में वो अगले 2-3 वर्ष व्यतीत करते हैं। लेकिन
कुछ ही वर्ष बाद लगभग 1670 में जो शिवाजी महाराज हैं ये पुरंदर की संधि का उल्लंघन करना चालू कर देते हैं। देखिए पुरंदर की संधि, इसके तहत क्या हुआ है कि जो मराठे हैं वो 23 किले मुगलों को देंगे, 12 खुद अपने पास रखेंगे और बीजापुर के खिलाफ सहायता देंगे। तो जो शिवाजी महाराज हैं सन 1670 के बाद पुरंदर की संधि को तोड़ना चालू कर देते हैं और जो किले उन्होंने मुगलों को दे रखे थे 1665 की संधि के अनुसार 23 किले, तो उनमें से अधिकांश किलों को पुनः शिवाजी महाराज जीत लेते हैं। अब ये चीज जैसे ही औरंगजेब को पता चलता है तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता है कि ऐसे कैसे संधि को तोड़ दिया इस टाइप से। तो वो फिर क्रोधित होकर के अपना क्या कहते हैं महावत खां, उसको जो है दक्कन का सूबेदार नियुक्त करता है और साथ ही साथ बहादुर खां उसको भी भेजता है दक्कन में। तो दो लोगों को भेजा गया था, बहादुर खां और महावत खां, किसको कुचलने के लिए, छत्रपति शिवाजी को कुचलने के लिए। अब छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, इसी बीच सन 1670 में फिर से एक बार सूरत को लूटते हैं। देखो इससे पहले सूरत को कब लूटा गया था, सन 1664 में। तो 1670 में फिर से एक बार शिवाजी द्वारा सूरत को लूटा जाता है भयंकर तरीके से। और सूरत की जो दूसरी लूट थी ना ये बहुत ज्यादा तीव्रगामी थी, मतलब कि बहुत जल्दी ये लोग सूरत पहुंचे, तीव्र गति से लूटपाट किए, भयंकर मारकाट मचाया, वापस आ गए। देखिए ये जो लूट होता था ना उस समय मराठों द्वारा, ये क्यों किया जाता था, क्योंकि जो मराठे थे शिवाजी महाराज थे, अब वो कोई राजे महाराजे के बेटे तो थे नहीं, वो एक साधारण जागीरदार के बेटे थे। उनके पास कोई अपनी धन दौलत थी नहीं, कोई उनके पास राज्य था नहीं, उनको अपना एक राज्य खड़ा करना था, स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा करना था। तो उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उनको सैनिकों को वेतन देना है, हथियार खरीदने हैं, दूसरे महत्वपूर्ण चीजें हैं, किले बनवाने हैं, तो उसके लिए धन दौलत की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जो भी मुगलों के क्षेत्र है वहाँ पर जो मुगल अधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो अंग्रेज व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा बना के बैठे हैं, तो उनसे हम लोग जो है पैसा लूटेंगे और उसको जो है अपने स्वराज के कार्य में लगाएंगे। ये जो है स्वराज कहा करते थे, क्योंकि जो दक्कन है, जो महाराष्ट्र है, वहाँ के मूल निवासी मराठे हैं, तो बाहर के लोग आकर के शासन कर रहे हैं ये हमको पसंद नहीं है, इस टाइप से शिवाजी का कहना था। तो वो जो है लूटपाट करते थे आसपास के जो मुगल इलाके होते थे, बीजापुर गोलकुंडा वहां पर, वो भी अमीर लोगों को लूटा करते थे, न कि गरीब लोगों को, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सूरत को दो बार लूटा गया, एक बार 1664 में, एक बार 1670 में। अब जो है औरंगजेब बड़ा क्रोधित हो गया, महावत खां बहादुर खां उनको भेज दिया, वो लोग भी जो है ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं शिवाजी के विरुद्ध। इसके बाद जो है महावत खां को वापस बुला लिया जाता है और दिलेर खां को भेजा जाता है। बहादुर खां वो बना रहता है दक्षिण में, तो पहले बहादुर खां और महावत खां इन दोनों को भेजा गया था, फिर उसके बाद महावत खां को वापस बुलाया गया, महावत खां के स्थान पर दिलेर खां को भेजा गया। तो कौन कौन है अब, बहादुर खां और दिलेर खां, ये लोग भी कुछ विशेष कर नहीं पाते हैं शिवाजी के खिलाफ। और जो शिवाजी की शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, वो जो है मुगलों के कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार करते चले जाते हैं। इसी बीच सन 1674 में जो शिवाजी महाराज हैं वो बकायदा धूमधाम से पूरे विधि विधान से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं रायगढ़ के किले में। तो यहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था, 1674 में, मतलब कि अब वो जो है एक मुकुटधारी शासक बन जाते हैं। पहले हालांकि वो शासक थे, औरंगजेब ने भी उसको राजा मान लिया था, स्वतंत्र शासक मान लिया था, राजा की भी उपाधि दे दी थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। तो राज्याभिषेक कब होता है, सन 1674 में पूरे विधि विधान से, उस टाइम पर जो हिंदू शासक करते थे जिस टाइप से राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक हो जाता है। और जो औरंगजेब है वो कुछ नहीं कर पाता है सिवाय देखते रहने के, तो क्योंकि उस वो तो अपना आदमी भेज रहा है, महावत खां को भेजा, बहादुर खां को भेजा, दिलेर खां को भेजा, शाइस्ता खां को भेजा, एक राजा जैसी है उसको कामयाबी मिली थी, लेकिन वो भी लंबे समय तक टिक नहीं सकी। तो औरंगजेब जो है शिवाजी के मामले में हर मोर्चे में विफल होता हुआ नजर आता है। और इधर शिवाजी महाराज निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं और राज्याभिषेक के बाद भी वो जो है मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखते हैं, मुगलों के कई सारे क्षेत्रों को वो जीतने का प्रयास
करते रहते हैं, कईयों में उनको कामयाबी भी मिलती है। लेकिन इसी समय सन 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। इस समय वो मात्र 53 वर्ष के थे। तो 53 वर्ष की अल्पायु में छत्रपति शिवाजी महाराज इनका निधन हो जाता है। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं संभाजी, राजा राम, वो लोग फिर मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच संघर्ष। तो औरंगजेब जो है अपने पूरे जीवन काल में शिवाजी महाराज को अपने अधीन नहीं कर सका, मराठों की शक्ति को नहीं कुचल सका। तो अगले वीडियो में और हम लोग इसकी आगे की घटनाओं के विषय में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, कोई डाउट हो, सुझाव हो, उसको भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।